जिन अखिलेश यादव को मायावती हमेशा कोसती हैं, उनके जन्मदिन पर ऐसा कर देगी किसी ने सोचा नहीं था। जो अखिलेश यादव मायावती को फूटी आंख नहीं बाते, उनके जन्मदिन पर माया ऐसा संदेश देंगी सोचा नहीं था। मायावती ने इस बार जो किया वो पहले कभी नहीं किया, और जो किया वो मुकम्मल किया और हंगामा भी मचा दिया। अखिलेश यादव के जन्मदिन पर वो हो गया जिसकी शायद किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। एक तरफ पार्टी में जश्न का माहौल है तो तमाम नेताओं ने उन्हें बधाई दी है, लेकिन बहन जी मायावती ने अपने मुंह बोले भतीजे के जन्मदिन पर ऐसा हल्ला काटा कि जन्मदिन अखिलेश यादव का था लेकिन महफिल माया के नाम हो गई। वैसे तो सीएम योगी आदित्यनाथ, बिहार के डेप्यूटी सीएम तेजस्वी यादव और तमाम दिग्गज नेताओं ने अखिलेश यादव को बधाई दी, लेकिन मायावती ने जिस अंदाज में बधाई दी वो अंदाज सुर्खियों में छा गया और हर तरफ से सवालों का दौर भी तेज हो गया। बहुत कम ऐसे मौके देखने को मिले हैं जब मायावती ने किसी नेता की तारीफ की हो या फिर उसके उज्जवल भविष्य की कामना की हो, और ऊपर से नाम अखिलेश यादव का हो तो फिर कहने ही क्या। जिन अखिलेश यादव को मायावती कतई बर्दाश्त नहीं करती, उनको ऐसे जन्मदिन की बधाई देंगी सोचा नहीं था। मायावती ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और कहा कि समाजवादी पार्टी के प्रमुख और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव को आज उनके जन्मदिन पर बधाई, उनके परिवार वालों को हार्दिक बधाई तथा उनकी अच्छी सेहत के साथ लंबी उम्र की शुभकामनाएं। वैसे तो सीएम योगी ने भी अखिलेश यादव को बधाई दी थी, लेकिन सुर्खियों का दौर मायावती के नाम रहा। वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव के जन्मदिन पर लगे पोस्टर में उन्हें भावी प्रधानमंत्री बताया गया। सपा प्रवक्ता की तरफ से बधाई पोस्टर को सपा कार्यालय के बाहर लगाया गया था। वहीं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सपा प्रमुख को जन्मदिन की बधाई दी। इसके अलावा सपा के जिला कार्यकर्ताओं और जिला कार्यालयों में आज अखिलेश यादव का जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। सपा कार्यकर्ताओं ने लखनऊ के हजरतगंज हनुमान मंदिर में हवन पूजन किया, तो वहीं बात की जाए सपा कार्यालय के बाहर लगाए गए होर्डिंग की तो सपा चीफ के जन्मदिन पर यूपी की सियासत गर्म रही। प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने सपा कार्यालय के बाहर होर्डिंग लगवाए जिस पर लिखा कि देश के भावी प्रधानमंत्री अखिलेश यादव को जन्मदिन की बधाई। ये होर्डिंग जहां सत्ताधारियों के सिरदर्द का कारण बन गए तो वहीं चर्चाओं का भी सबब बने रहे। फखरुल छात्र राजनीति करते हुए पॉलिटिक्स में आए हैं, मौजूदा वक्त में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। जन्मदिन पर लगाए गए होर्डिंग ने तो हंगामा ही काट दिया और यही हाल मायावती के बधाई संदेश में भी दिखाई दिया।